उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव जी के मंदिर के अलावा भी भारत माता के एक मंदिर स्थित है, जहां भारत माता की प्रतिमूर्ति स्थापित है, जहां भगवा ध्वज को पकड़े हुए भारत माता खड़ी है, और साथ साथ नीचे में जो है भारत अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है, जहां अखंड भारत की परिकल्पना करते हुए उसका नक्शा को दर्शाया गया है। भले ही आज पार्लियामेंट में बड़े बड़े देशों के बीच ये मुद्दा हो कि भारत को कश्मीर मिला गया नहीं, पाकिस्तान कितना चिल्ला के कश्मीर हमारा है बोल ले, लेकिन हमारे जो हजारों वर्षों की भारतीय परिकल्पना है नक्शे की भारत की, वो तो अखंड भारत की है, जिसमें कश्मीर तो छोड़ो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की से भी आते हैं, जिसमें गांधार जिसको कांधार कहा जाता है, और यहाँ तक सरहिंद और अफगानिस्तान पाकिस्तान सभी जो है हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं। भले ही लोग आज जो है सेक्युलर लिब्रांडू लोग कितने भी कश्मीर के मुद्दे पे बढ़ा चढ़ा के बात कर ले, कश्मीर को आज़ादी करने की बात कर ले, लेकिन हमारे जो हज़ारों वर्षों की परंपरा है और जो मान्यता है उसमें तो अखंड भारत का जो नक्शा है और अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसमें तो है पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान भी आता है। आप ये भारत का नक्शा देख सकते हैं, जहाँ अखंड भारत की परिकल्पना के साथ साथ शिवलिंग को दर्शाया गया है, जहाँ भारत का जो सीमा जो है अटक से कटक तक हमेशा से ही माना जाता रहा है उसको यहाँ दर्शाया गया, जहाँ आप गांधार से लेकर लवपुर यानी लाहौर तक को आप इस भारत के नक्शे में देख सकते हैं, और वहाँ है भारत माता की मूर्ति। जब हम दर्शन करने गए थे मंदिर के तो मेरे साथ में एक थी, उन्होंने कहा कि झंडे की जगह में तिरंगा लगाना चाहिए था, तब मेरे को समझ में आया कि जो सेक्युलर पंथी है, जो लिब्रांडू आज जो लोग हैं वो सोच जो कितनी फैल चुकी है, तब मैं समझा कि अखंड भारत और भगवे का अर्थ आजकल के लोगों को पता ही नहीं है, और जो हमारे हजारों वर्षों से वेद में पुराणों में भारत की सीमाएं बताई गई हैं वो हम मानते रहेंगे, और भगवा ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। तिरंगे का सम्मान पूरा है, लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात हो तो भगवा भी तैयार खड़ा है। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, क्या आप उज्जैन भारत माता के मंदिर घूमने आए हो, और क्या आपको अखंड भारत की परिकल्पना और भगवा का महत्व पता है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।